अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन अलग से खरीदे, फिर उसके बाद ये उसमें फ्लेवर ऐड करे। ये बेवकूफ़ी ना करे कि अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन खरीद लिया, उसके बाद जो है यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं कि जो है अपने अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन को कैसे बेहतर टेस्ट दे। है दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आज मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो भाई मेरे YouTube पे वीडियो देख के अनफ्लेवर्ड वह प्रोटीन ख़रीद लेते हैं। रो वह प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं, ख़रीद तो वह लेते हैं लेकिन उसके पीने की जब बारी आती है तो उनसे पिया नहीं जाता। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो ख़रीदने के बाद वो पिया नहीं जाता तो वो ऐसे रखा रहता है, तो उसे कैसे पिया जाए। तो मैं अमेज़ोन ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था एक दफ़े, तो वहाँ मुझे ये प्रोडक्ट दिखाई दिया मसल असाइलम का। वैसे मसल असाइलम के मैं 2-3 प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ, उस पर भी वीडियो आगे बताऊँगा मैं जल्दी। तो ये स्विस चॉकलेट है। मैंने जब वह प्रोटीन मंगवाया था अनफ्लेवर्ड वाला तो मुझसे पिया नहीं गया, तो इसे मैंने अमेज़ोन पे देखा एक दफ़े। ये है प्रोडक्ट, स्विस चॉकलेट है और काफ़ी लो प्राइस पे है, 199 का है, 200 रुपये का अमेज़ोन पे। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब इसके डब्बा खोलते के साथ ही खुशबू महक जाएगी चॉकलेट की। जो चॉकलेट पसंद करते हैं वह समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसका नेक प्रो का वह गोल्ड, इसी की वजह से ये मंगवाना पड़ा अनफ्लेवर्ड वह प्रोटीन की वजह से। और हाँ, एक बात और, ये प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देख के या किसी और के कहने से अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन ख़रीद लिया और उनसे पिया नहीं जा रहा, तब ये ख़रीदना। ऐसा नहीं है कहाँ अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन अलग से ख़रीदे फिर उसके बाद ये उसमें फ्लेवर ऐड करे, ऐसा नहीं। वो तो महाबेवकूफ़ी है। अगर वे प्रोटीन लेना है तो फ्लेवर वाला ले, 100-150 रुपये का अंतर रहता सिर्फ उसमें। ये बेवकूफ़ी ना करे कि अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन ख़रीद लिया उसके बाद जो है यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं कि जो है अपने अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन को कैसे बेहतर टेस्ट दे, वो महाबेवकूफ़ी हो जाएगी। अगर अनफ्लेवर्ड वाला वे प्रोटीन पिया जाता है तो पिए, और अगर नहीं पिया जाता तो फ्लेवर वाला ख़रीदे, 100-150 रुपये का अंतर रहता है सब में। बात करते हैं इसकी, ये भी ख़त्म होने वाला। पर एक चम्मच गया, भाई साहब खुशबू ऐसी है इसकी एकदम तोड़। 200 रुपये में 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये, प्लस इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है। मिसाल के तौर पर काफ़ी को अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता सही से, तो उसके लिए भी काफ़ी सही है। करते हैं बंद। तो जी खुल गया हमारा नेक प्रो। अब ये दिक्कत होती है अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन में, फोम प्लस थोड़े से लम्ब्स। लेकिन जहाँ तक इस प्रोडक्ट नेक प्रो की बात है, डिसेंट प्रोडक्ट है, प्राइस भी ठीक है इसका, 1400 रुपये में लिया था मैंने अनफ्लेवर्ड। अब तो काफ़ी बढ़ गए प्रोटीन पर, सभी पे रेट बढ़ा हुआ है इस टाइम। 33 ग्राम का स्कूप और एक स्कूप में 27 ग्राम प्रोटीन।
लम्स। थोड़ा ज़्यादा शेक करना पड़ता है, एक आध मिनट, वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जो मसल असाइलम के एक और दो प्रोडक्ट हैं, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट, उसकी वीडियो जल्दी आएगी। और इन प्रोडक्ट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें, सबका आंसर दूंगा।